गाइस तो आ गया है गिरनारी भूमियों। वाह भाई वाह। तो जय गिरनारी। तो ये नीलकंठ महादेव के आप दर्शन कर सकते हो। तो गाइस तो ये है, अभी माइक का सेटिंग कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा भी नहीं यहाँ पे रेस्ट किया है, अभी थोड़ा ही चढ़े हैं, पर पहले माइक का जो सेटिंग कर ले। गाइस इस मंदिर का जो स्कंद पुराण में भी उल्लेख है, और ये टोटल 22 अलग अलग नदी के कुल देवी है। गुड आफ्टरनून गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई जगह पे। तो हाजी गाइस, फिलहाल अभी मैं हूँ पाटणवाव, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पाटणवाव डूंगर। गाइस यहाँ पे आने के मेरे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ बारिश का मौसम है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू आएगा और वीडियो भी काफ़ी बढ़िया बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और दूसरा रीज़न है जो मेरा दोस्त है, वो भी एक यूट्यूबर है गिरनारी भूमियों करके, और वो भी उसने मुझे कॉल आया था कि पाटणवाव को एक्सप्लोर करने जाना है। तो ये दूसरा रीज़न है, वो आ रहा है, तो हम दोनों साथ में घूमेंगे और उसको पूरा जो पाटणा हुए दिखा दूंगा, और सब कुछ जो जितने भी जगह यहाँ पे घूमने की है सब कुछ दिखा दूंगा। तो वेट करते हैं, क्योंकि अभी वो आधे घंटे के बाद यहाँ पे आएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से अभी। तो वो आए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल वेट करते हैं और गिरनारी घूमने का, फिर चलते हैं पाटणा हिल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस तो आ गया है गिरनारी भूमियों। तो जय गिरनारी। क्या हो रही हो सफर? मौज भाई, हवे सफर तो हवे चालू थवानी है। हिंदी में बनो, गुजराती में? हिंदी में। सफर तो अब शुरू होगी, क्योंकि ये जो पहाड़ी है थोड़ा बहुत गिरनार जैसा लग रहा है, और त्र्यंबक क्षेत्र में ऐसी पहाड़ी रहती है, नाम मैं भूल चुका हूँ। ओसम नहीं, ये तो ओसम मालूम है, लेकिन त्र्यंबक में जो पहाड़ी रहती है ऐसी दिखती है, सेम टू सेम वैसी पहाड़ी यहाँ पे दिख रही है। वाह, और थोड़ी बारिश हो जाए तो और भी बढ़िया सुहागा हो जाता है। तो गाइस तो गिरनारी भूमि आ चुके हैं, तो अभी हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और पहले हम जाएंगे श्री मातृ माता जी मंदिर पाटणवाव, और उसके बाद फिर टपकेश्वर महादेव और अलग अलग जगह घूमने के लिए जाएंगे। तो पहले चलते हैं श्री मातृ माता जी मंदिर पाटणवाव, और यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ कि पहले जो जैसे आप एंटर करते हो वहाँ पे महादेव जी की बड़ी सी मूर्ति आती है, तो उसको मूर्ति भी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं। तो गाइस तो ये कुछ आप बड़ी सी शिवलिंग का दर्शन कर सकते हो, तो पहले वहाँ पे चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और ये रहे अपने गिरनारी भूमियों। तो गाइस तो ये कुछ दर्शन कर सकते हो आप देवादिदेव महादेव। तो गाइस तो ये कुछ आप दर्शन कर सकते हो श्री कंठाई महादेव। तो गाइस तो ये कुछ आ चुका है एंट्री गेट से ओसम मातृ माता जी मंदिर पाटणवाव। तो इसके आप स्टेप की बात करूँ तो स्टेप है 999 ऐसा कुछ स्टेप है, कंप्लीट फाइनल तो श्योर नहीं हूँ, एक बार मुझे नीचे करेक्ट कर देना कितने स्टेप है, आपको किसी को पता हो तो। तो ये है कुछ एंट्री गेट श्री ओसम मातृ माता जी मंदिर। ये कुछ है एंट्री, जय मातृ माँ। तो गाइस तो चलते हैं अभी और स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग को। और लेकिन ये बहुत आसान सीढ़ियाँ, कष्टदायक सीढ़ियाँ नहीं, वो भी आपको देखने होगी तो वो भी दिखाऊंगा, वो भी दूसरा रास्ता, जैसे गिरनार में जो दो सीढ़ियाँ है नई पुरानी, इसमें ये भी सेम है, नई वाली है पुरानी, ये नई वाली सीढ़ियाँ है। જેમ ગિરનાર માં પણ બે સીડી છે જૂની નવી, એમ આ ઓસમ ડુંગર માં પણ બે સીડી છે, એમાં હાલ આપણે નવી સીડી થી પ્રસ્થાન કર્યું છે, શરૂઆત કરી છે આ પ્રકૃતિના કોળામાં,
एक बालक तरीके तो गाइस तो ये कुछ आप मौसम देख सकते हो, अभी बारिश का मौसम है तो सब कुछ यहाँ पे हरियाली हरियाली आपको दिख रही है। तो चढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इतने स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें टोटल नौ या दस स्थान देखने को है जो कि बारी बारी हम देखेंगे। पहले जाएंगे मातृ माता जी मंदिर और वहाँ से जाएंगे फिर टपकेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ से रास्ता निकलता है, वहाँ से डायरेक्ट टपकेश्वर महादेव मंदिर। वाह भैया बढ़िया। और टपकेश्वर से पीछे फिर से हमको आना पड़ेगा मातृ माता जी मंदिर। जी जी जी। फिर ऊपर तो तालाब है, भीम का कोटा है, ऊपर तालाब है और सब कुछ। तो गाइस तो ये है, अभी माइक का सेटिंग कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा भी ने यहाँ पे रेस्ट किया है, अभी थोड़ा ही चढ़े है पर पहले माइक का जो सेटिंग कर ले। अभी बारिश का माहौल है, उमस ज़्यादा है इसलिए थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। थोड़ी बारिश आ जाए फिर मजा ही कुछ और है। महादेव की कृपा से थोड़ी बारिश आ जाए तो ये आनंद अखंड आनंद में परिवर्तन हो जाएगा। वर्गनी खीड़ी एवं जत्या रहा है माहौल देखा रही हो एकदम चालवन वॉकिंग। तो गाइस तो ये कुछ अभी रास्ता अच्छा आया है, फिर वॉकिंग है, कुछ चिड़िया नहीं है तो थोड़ा हमको आराम मिलता है यहाँ पे। और आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और आधा रास्ता अभी बाकी है। तो आगे अपने गिरनारी भूमियों और चलते हैं। और फिर से अभी चिड़िया आ चुकी है दो, अभी भी गाइस आधा रास्ता बाकी है और फिर दर्शन करते हैं श्री मातृ माता जी मंदिर। और कैसे है नीचे आप कुछ हरियाली देख सकते हो। तो ये जो गिरनारी तो डायरेक्ट जूनागढ़ से भी यहाँ पे आए हैं और कैसे है कुछ आप पत्थर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप आराम से बैठ के टेस्ट कर सकते हो पूरा। और फिर से भी ये वॉकिंग का रास्ता आया है जो कि थोड़ा सा ही है। गाइस तो अभी थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्योंकि अभी थोड़ा ही रास्ता बाकी है। अभी डायरेक्ट जो अभी आएगा वो देखो आप मातृ माता जी का मंदिर। और सीढ़ियाँ भी अच्छी आएगी और आप पकड़ के भी चल सकते हो, मतलब रेलिंग है पास में तो कुछ अच्छा रहेगा। सोडा पीने के लिए रुके हैं और तो पीते हैं अभी सोडा। लुफ्त उठा भी रही है अपने। और ये तो गाइस थोड़ा पीके हो चुका है और अभी 100 स्टेप ही बाकी है। तो चलते हैं फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो सीढ़ी आएगी वो काफी खतरनाक है क्योंकि डायरेक्ट सीधी ऊपर ही ऐसे ही सीढ़ी आए तो कुछ दिक्कत हो रही है इसमें थोड़ी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम मातृ माता जी मंदिर। तो ये सामने दिख रहा है वो मेन मंदिर है, अभी 30-40 सीढ़ियाँ बाकी है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम मातृ माता जी मंदिर और ये जो रास्ता जा रहा है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर जा रहा है। ऊपर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। पहले हम चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं श्री मातृ माता जी मंदिर। ये नीचे वाला रास्ता, दोनों रास्ता सेम ही है, ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था है, आपको फिल्टर पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा मंदिर की तरफ से। गाइस तो ये कुछ आप नज़ारा देख सकते हो पाटरा हिल्स। और ये हम पहुँच चुके हैं श्री ओशम मातृ माता जी मंदिर। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। तो पहले अपने जो जूते हैं यहाँ पर रख देते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो ये कुछ हम पहुँच चुके हैं श्री ओशम मातृ माता जी मंदिर। और पहले ये यहाँ का यज्ञ कुंड और ये कुछ है मेन मंदिर। तो चलते हैं गाइस अंदर दर्शन करने के लिए।
तो गाइस तो ये कुछ आप दर्शन कर सकते हो श्री मातृ माता जी। जय मातृ मा, जय मातृ मा। गाइस इस मंदिर का जो स्कंद पुराण में भी उल्लेख है और ये टोटल 22 अलग अलग नदी के कुलदेवी है। मंदिर के दर्शन के बाद अभी यहाँ पे जो मंदिर में जो भंडारा लगता है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ की क्या है, खाने की सुविधा है, क्या रहने की सुविधा है और कैसा आश्रम है, सबको देखने के लिए अभी चलते हैं। तो चलते हैं अभी मंदिर से बाहर और उसके भी दर्शन करते हैं अभी हम। और तो पहले हम करते हैं श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर। तो ये कुछ गाइस दर्शन कर सकते हो आप श्री जागन्नाथ महादेव एग्जैक्ट ये सामने है मातृ माता जी मंदिर और सामने ही है श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर। तो ये कुछ आप दर्शन कर सकते हो और पीछे अपने कितना घूमे छोटी करते 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 आ रहे हैं अभी अभी चलते हैं और यहाँ के जो महंत है उसके दर्शन करते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर जो भंडारा है वहाँ पे और यहाँ पे गाइस देखो चाय की अखंड सेवा रहती है। कभी भी यहाँ पे आओ आपको चाय तो मिलेगी, तो पूरे पूरी चाय की व्यवस्था है। और सामने गाइस यहाँ पे पीने का पानी और हाथ धोने के लिए सब कुछ यहाँ पे है। तो ये कुछ आप देख सकते हो और यहाँ से गाइस आप पूरा व्यू भी देख सकते हो गाइस जो मंदिर का भंडारा है वहाँ पे और जहाँ पे। तो गाइस तो ये कुछ खाना खुद के आगे के पका सकते हो और यहाँ पे भंडारा भी चालू रहता है। तो ये कुछ आप भंडारा देख सकते हो, यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी है और आराम से आप खाना बनाओ। और यहाँ पे सभी को बैठ के खाने का होता है, ये कुछ भंडारे का सीन है। और यहाँ से आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर और पूरा जो माउंटेन दिखेगा ये सामने आपको दिख रहा है, वहाँ पे ज़ूम कर दिखा देता हूँ। ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर और ये है पूरा भंडारा। और यहाँ पे गाइस कभी भी आप आओ आपको खाने का मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप खा के अपने जो बर्तन है साथ में ही आपको धोना पड़ेगा। तो ये कुछ अभी खाना भी चालू है और ये कुछ आप देख सकते हैं गाइस। और ये पूरा व्यू और ये अपने किन्नारी भूमि हो सामने कुछ आप देख रहे हो, ये उतारा की व्यवस्था है। आपको यहाँ को रहने की भी सुविधा है, आप यहाँ के रह भी सकते हो। लिखा हुआ नरसिंह मेहता विश्रांति कक्ष। तो फिर से अभी चलते हैं नीचे और फिर जाते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अभी टपकेश्वर महादेव मंदिर।